आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर चमचमाते हिंद के सूरज को अब अमेरिका सलाम कर रहा है। अमेरिका के मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक और दुनिया की जाने मानी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने हिंदुस्तान का लोहा माना। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल को कई लिहाज से शानदार माना और कहा कि मोदी की लीडरशिप में हिंदुस्तान ग्लोबल ग्रोथ में बड़ी भूमिका निभाने वाला देश बन रहा है। मोदी राज में देश में हुए 10 बड़े बदलावों का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि महज 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने वर्ल्ड ऑर्डर में अपना मुकाम बनाया है। मॉर्गन स्टैनली ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर, जीएसटी कलेक्शन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को तेजी देने के लिए भारत सरकार की सराहना की है। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने पीएम मोदी को विश्व का सबसे पॉपुलर लीडर माना था, वो भी 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ। हिंदुस्तान की उभरती ताकत से अमेरिका गदगद भी है और अचंभित। सुनिए भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का ये ताजा बयान। To be in Mumbai and see the new infrastructure, to go to Modi Stadium in Ahmedabad and catch a cricket match and to see 130,000 plus seats there. India has really come into her own, not just as a domestic force, but a global and regional force. But I'll tell you one thing that hasn't changed is the warmth, the history, the culture, the sense that you belong when you're here. मकसद चाहे दिल से तारीफ करना हो या चीन को काउंटर करना, भारत को लेकर कहे गए सुपर पावर के ये लफ्ज अक्षर अक्षर सत्य हैं और न्यू इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन पर मुहर।